हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऑक्सीलाइफ ब्लीच जो है उसका एक रिव्यू है। ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है, मैंने काफ़ी ब्लीच ट्राई किए हैं लेकिन दिस इज़ द वन ऑफ माय फेवरेट। मुझे बहुत पसंद आई ये ब्लीच। तो जो इसका नेट वेट है वो है 310 ग्राम और जिसका प्राइस है नियरली 400 रुपीज़। ये बड़ा पैकेजिंग है, मैंने इंडिया से मंगाया था ताकि मुझे लॉन्ग टाइम चले। छोटा भी आप ले सकते हैं, मिल जाएगा। तो इसकी जो आउटर पैकेजिंग है डार्क ब्लू एंड सिल्वर ग्रे, इस तरह की कुछ इसकी आउटर पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छी है। तो इसके साथ दो ट्यूब्स आती हैं जिसमें कि पोस्ट ब्लीच एंड देन प्री ब्लीच क्रीम, दो तरह की क्रीम है जिसमें कि विटामिन ई जो कि प्रोटेक्ट करता है स्किन को, इज़ फॉर दैट। एंड ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं यूज़ की, पर मैं जस्ट ऐसे फेस वॉश करके क्लीन करके अपने डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ ब्लीच को। आप चाहें तो दोनों को यूज़ कर सकते हैं, बिफ़ोर एंड आफ्टर आपको यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्लीच मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना लिया है। तो जो अच्छी बात है वो इस ब्लीच की, जो वन ऑफ द गुड थिंग है कि ये आपको बिल्कुल भी स्किन को इरिटेट नहीं करता है। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो फॉर सेफ साइड एक बार पैच टेस्ट कर लें थोड़ा सा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर हैं, डार्क हैं, तो ये बहुत अच्छे से उनको लाइटन अप करता है। एंड द गुड थिंग इज़ कि आपकी स्किन बहुत फेयर लगती है और एक इंस्टेंट ग्लो आता है इसको यूज़ करने के बाद। तो अभी मैं ये अपने फेस के लिए रेडी कर रही हूँ, तो इतनी सी क्वांटिटी मैं लूँगी अपने फेस एंड नेक को कवर करने के लिए। वो हाफ टी स्पून जितना आप यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग ही बनाती हूँ ब्लीच, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है और काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट दिखता है मुझे। तो इस तरह से इसको मिक्स करने के बाद ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर लेना है। मेक श्योर कि आपकी स्किन पहले वॉश क्लीन प्रॉपरली आप कर लें, उसके बाद इसको अपने फेस पे अप्लाई करें। एंड देन अवॉइड करें आईब्रोज़ वगैरह, अगर आप चाहें तो बेबी ऑयल वगैरह अपने आईब्रोज़ पे लगा लें और फुल फेस पे इसको अप्लाई करें और 15 मिनट्स एटलीस्ट आप रखें और उसके बाद अपना फेस वॉश कर लें। तो ये यूज़ करने के बाद आपकी स्किन काफ़ी फेयर लगती है और एक इंस्टेंट ग्लो स्किन पर आता है, बहुत ही अच्छा काम करता है ये।